नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इसा खान और साथ में है नवीन शर्मा। पन्ने पलटते हाथ, मालूम है ना, इसमें हम बुक रिव्यू करते हैं अपने तरीके से, अपने माध्यम से, पुस्तक समीक्षा। कभी कभी पढ़ते हुए या फिर कुछ सोचते हुए ये बात दिमाग में आती है कि लोग क्यों लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो ठीक है, कहानी लिखें, कविता लिखें, निबंध लिखें, लेकिन अगर कविताएं लिखते हैं उसके शब्दों का चयन कैसे करते होंगे, वो भाव कहां से, किस तरह से आते होंगे, तब ये मानना पड़ता है कि कविताएं लिखना ईश्वर प्रदत्त एक प्रतिभा है। ठीक है, अपने परिवेश से, समाज से, घर परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने के जो तरीके हैं, जो संस्कारित शब्द होते हैं, वो ईश्वरीय देन होते हैं। जभी तो मन में दुख, तकलीफ, सोचना, समझना, विद्रूपता, वीर, विभत्स, ममता, इस सारे भाव जब उद्वेलित होते हैं दिलो दिमाग में, तब आदमी छटपटाता है। अगर उसके हाथ में ब्रश है तो उस तुलिका के माध्यम से कैनवस पर उसे उकेरने लग जाता है, और जब उसके हाथ में कलम है तो एक पेज पर उसे लिखने लगता है। लेकिन ठीक है, लिख लेता है, उसके समझ से वो कविता बन चुकी है, अब वो क्या करे। तो उसके दिल में एक उत्कंठा होती है कि कोई उसे सुने, कोई पढ़े, कोई समझे, कोई दाद दे, कोई मार्गदर्शन करे। और इन सब को समेटने का जो पुनीत कार्य करता है वो संपादक और प्रकाशक होता है। अगर किसी अच्छे संपादक तक, कहने का मतलब है कि अगर किसी साहित्यकार संपादक तक उसकी कविता पहुंच गई और उसने उसे देख लिया, उसे संपादित कर लिया कि हाँ, इसके भाव ठीक है, शब्दों के संस्कार, शब्दों के तासीर और शब्दों की जो अहमियत है वो मायने रखती है, फिर वो संपादित करके एक प्रकाशक को ढूंढता है, और प्रकाशक जब उसे एक पुस्तक की शक्ल में उतार देता है, जाने कितने लोगों तक वो कविता पहुंच जाती है। ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार के प्रस्ताव आते हैं, और अगर वाकई वो कविता खूबसूरत है, भावुक है, उसमें कोई मतलब है, कोई जीवन का दर्शन है, तो उसकी तारीफ भी मिलती है, तब आगे बढ़ने का और एक जज्बा आता है, फिर हौसला बनता है कि अब कुछ और भी लिखें हम। इस तरीके से उसकी लेखनी आगे बढ़ती रहती है और उसका जो दिमाग है बहुत कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी अभी पिछले दिनों ट्रू मीडिया करके एक साहित्यिक संस्था है, समाचार संस्था है, समाज सेवा में अग्रणी एक संस्था है, और न जाने क्या क्या है ये ट्रू मीडिया। और इस वक्त हमारे हाथ में जो ये बुक है ट्रू मीडिया, काव्य अक्षर भाग दो, साझा संग्रह इसे हम कह सकते हैं, आप यकीन मानिए इसके जो संपादक हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी, इन्होंने 54 ऐसे प्रतिभाओं को संकलित किया है, ऐसे प्रतिभाओं को खोज निकाला है जिनकी अभिव्यक्ति से वो अभिभूत थे। उन 54 कवि और कवित्रियों को उन्होंने जुटाया, उनसे कविताएं ली, उसे संपादित किया और एक पुस्तक के शक्ल में उसे प्रकाशित किया। अभी पिछले ही दिनों 10 अगस्त को इस पुस्तक का विमोचन हुआ, और यकीन मानिए जो 54 कवि और कवित्री वहां पर एकत्रित हुए, उन सबको वहां पर सम्मानित किया गया,
सबको एक सम्मानजनक शाल उड़ाए गए, अंग वस्त्र दिया गया, उनको प्रमाण पत्र दिए गए। अभिभूत करने वाला वो अवसर था। यकीन मानिए, किसी ने एक कविताएं लिखी है, किसी ने दो कविताएं लिखी है, किसी ने 10 लिखी है, चाहे किसी की पुस्तक ही छपी है, लेकिन मंच के आने पर, मंच पर आने के बाद जो खुशी मिलती है कहने लायक नहीं रह जाती, असीमित होती है, अपार खुशी होती है। और ऐसे ही खुशी के माहौल को हमने देखा है, क्योंकि मैं भी उस समारोह में शामिल था। और इस पुस्तक में अपने जो आशीष वचन लिखे हैं वो ऋषि शर्मा ने लिखे हैं, जो कि हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव हैं। इसी में दो शब्द डॉक्टर सविता चड्ढा जी ने लिखी है, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कम से कम इनकी 50 साहित्य पर किताबें आ चुकी हैं। मुलाकात मेरी भी उनसे है और मेरा भी यह सौभाग्य है। आगे बढ़ते हैं तो एक सुभाष चंद्र जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कम से कम हर हिंदी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में इनके कालम देखने पढ़ने को मिल जाते हैं। इस तरीके से ओम प्रकाश प्रजापति ने 54 कवि और कवित्रियों को इकट्ठा किया, शामिल किया, खुद से जोड़ा या उनसे खुद जुड़ करके उनको इस तरीके से उन्होंने इनकी कविताओं को एकत्रित किया, संपादित किया। इतना ही नहीं, ये आगे भी है, ये इस तरीके से अगले पेज पर अगर हम आए तो ये अगली लिस्ट है। और वास्तव में इस पुस्तक में जो कविताएं हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें रामावतार भैरवा जी ने विस्तृत रूप से अपने आशीष वचन दिए हैं, क्योंकि आकाशवाणी के उपनिदेशक हैं इस वक्त। उनके सानिध्य में, उनके साथ में मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला है। और जो हमारे इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता हैं नवीन शर्मा जी, इनकी भी मुलाकात उनसे है, क्योंकि नवीन शर्मा भी आकाशवाणी से जुड़े कलाकार रह चुके हैं। तो इस तरीके से इन सब से हम लोगों की मुलाकातें हुई। और इसमें अगर हम एक कविता की बात करें तो ये कविता है लक्ष्मी अग्रवाल की कविता है, और इसमें इन्होंने माँ पर यह कविता लिखी है। माँ तूने ही सिखाया गिरकर संभलना, माँ तूने ही सिखाया चुनौतियों से लड़ना, माँ तूने ही सिखाया गम में मुस्कुराना, माँ तूने ही सिखाया हंसना और हंसाना। किस तरीके से माँ की जो ममता होती है अगर वो शब्दों में ढलती है और अभिव्यक्ति का माध्यम बन कविता में उतर आती है तो ऐसी कविताएं बनना स्वाभाविक है। डॉक्टर सविता भगत की ये कविता है मैं तुलसी। पावन पुनित घर आंगन करती, श्री कृष्ण प्रिय वृक्ष अमृत करती, सबके जीवन को पावन करती, हर तन मन को स्वस्थ है करती, ईश्वर भक्ति में श्रद्धा बन जाए, प्रेम भक्ति वश तुलसी तुझसे ही कृष्ण बेमोल तुल जाए। तुलसी परी कविता। इस तरीके से न जाने इसमें 54 लोगों की अद्भुत अल्पनीय, अद्भुत अकल्पनीय भावनाओं के साथ ये शब्द इसमें जुड़े हैं, इनमें कविताएं पिरोई गई हैं। और विमल गुप्ता जी, जो कि वीजी सरल नाम से भी लिखते हैं, इनकी एक रचना देखिए कि हर महफिल में हर मंजर यूं खाली खाली लगता है, बुरा वक्त है इतना कि ये दौर सवाली लगता है, हर चेहरा मुस्कान लिए ही मिलता है हमसे यारो, पता नहीं क्यों हमको तो हर चेहरा जाली लगता है। यानी कि बनावटी मुस्कुराना ही पकड़ में आ जाती है, और जाने किस गम में कौन मुस्कुरा रहा है, ये भी सोचने समझने की बात है। तो इस तरीके से ये जो इस पुस्तक के संपादक हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी, किस तरीके से अपने आप में एक संस्थान है, ये अपने आप में एक एकेडमी है, इस तरीके से ये आगे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, साहित्य को, कविता को, साहित्य सेवा को और लोगों को जोड़ करके जो आगे बढ़ने की इनकी भावना है, हम तो इनके लिए यही आशीष वचन देते हैं कि हमेशा ये कामयाब रहें और ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहें और
आगे बढ़ते रहें हमेशा। और इन्हीं की एक पत्रिका है ट्रू मीडिया, जो ये निकालते रहते हैं। और ये जो ट्रू मीडिया है, खास तौर पर सूरज प्रकाश मनचंदा विशेषांक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की जीवनी के बारे में इसमें लोगों के आलेख हैं। दरअसल प्रकाश मनचंदा जी एक ऐसे लेखक हैं, हालांकि ये बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो कि 2007 में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर लोग थक हार करके बैठ जाते हैं घरों में, सिर्फ दूध लाना सब्जी लाना उनका काम रह जाता है, लेकिन उनमें से ये नहीं है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे बुजुर्गों को इकट्ठा करके उनमें एक उत्साह की भावना भरें, जो देश के लिए कुछ करें, जो समाज के लिए कुछ करें, जो युवाओं के लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ करें। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाने की चेष्टा की है और कामयाब भी रहे हैं, और यकीन मानिए 200 लोगों को आजीवन सदस्य के रूप में उसमें जोड़ा है और अभी भी समर्पित हैं अपने मकसद को पाने के लिए, चाहे वो RTI का मकसद हो या उपभोक्ता संरक्षण की बात हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो, लोगों को जगाना, भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मियों को जगाना इनका मकसद है। इस पत्रिका का यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और उनके माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है उसे प्रेरित करें। हमारी शुभकामनाएं हैं ओम प्रकाश प्रजापति के लिए, उनकी संस्था के लिए, और ये जो काम ओम प्रकाश प्रजापति जी कर रहे हैं, उनके साथ जो साहित्यकार जुड़े हैं, जो कवि जुड़े हैं, जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिनके बदौलत वो ये सब कर पा रहे हैं, हमारी ओर से शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियाँ इसी पुस्तक से जो कि दिनेश आनंद की रचना इसमें शामिल है, प्रेम गीत के नाम से उन्होंने लिखा है। दिल है दरिया, दिल समंदर, मत थाह ले गहराई की, प्रेम में फिसलन बहुत है, मत खोल परतें काई की। दिल की गहराई का कोई मान भी होता नहीं, नहीं गणित का पाठ है ये, मन भी होता नहीं, भान भी होता नहीं। कब लगी, कैसे लगी, मत पूछो ये दिल की लगी, प्रेम अगन का है ये दस्ता, मत खोल परतें सहाई की। इस तरीके से अगर देखें दोस्तों, तो इसमें 54 जो कवि हैं, कवित्री हैं, अनेक नाम हैं उनमें, अजय किशोर हैं, अजित कुमार यादव हैं, अंकुर मिश्रा हैं, दीपिका वल्दिया हैं, देवेंद्र प्रकाश वर्मा हैं, दिनेश आनंद हैं, ज्ञानेंद्र शर्मा हैं, हिमांशु शुक्ल हैं, इला जायसवाल जी हैं, ललित मोहन जोशी जी हैं, लक्ष्मी अग्रवाल हैं, राजेंद्र कुमार महाजन हैं, ऋचा गौड़ हैं, राजेश श्रीवास्तव राज हैं, प्रभात दीपक शर्मा हैं, संगीता वर्मा हैं, सविता भगत हिंदू हैं, शशि किरण श्रीवास्तव हैं, प्रोफेसर स्वाति पाल भी हैं, इसी में डॉक्टर विवेक शर्मा और जारा खान समाधि शामिल हैं। तो इस तरीके से इसमें न जाने कौन कौन सी भावनाओं के साथ इन्हें की अभिव्यक्ति का माध्यम मिला 54 कवि कवित्रियों का ये संग्रह। एक निवेदन और आपसे हम करना चाहेंगे, हमारे ये कार्यक्रम को देखने के बाद, यानी कि पुस्तक समीक्षा पन्ने पलटते हाथ मैंने नाम रखा है, इसे देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम तक पहुंचाना भूलिएगा नहीं। और हमारा जो ये YouTube चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास ऐसी कोई पुस्तक है उस पर भी हम समीक्षा कर सकते हैं और इसी तरह से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं आपसे, आप नवीन शर्मा जी से मुलाकात कर सकते हैं। और ये जो सब्सक्राइब तरीके हैं, कौन कौन से माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप जुड़ करके हमें बताना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए आगे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी समारोह के माध्यम से, प्राप्त पुस्तक के माध्यम से और किसी अच्छी संस्था के माध्यम से। जय हिंद।